बच्चे पहले अपने शिक्षा को समझे। जो भी एक कानून बना है जिसमें कुछ ग्रुप्स को अलग कर दिया गया है कि अगर आप पांच दोस्त हैं एक क्लास में, एक जगह पर पांच दोस्त हैं जो आप साथ में खेलते हैं, लेकिन उसमें से चार लोगों को एक चीज दी जाए और एक को अलग कर दिया जाए तो फिर आपको जो बुरा लगेगा, उसी तरीके से एक कम्युनिटी को अलग कर किया गया है और उसका उन्हें बुरा लगा है। और उस चीज को जैसे आप अपने टीचर को जाके शिकायत करेंगे, ये हम अपने जो सरकार है हम उससे शिकायत कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़, मैं हूँ प्रिया बास। आज हम मौजूद है लखनऊ के घंटा घर में, जहाँ पे पिछले शुक्रवार से एनआरसी और सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी बीच हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन से हटकर यहाँ पे तमाम ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि वो विरोध का साथ ना देकर अपनी इच्छाओं को और देश को और बातों को समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि उन्होंने क्या सोच के आज इस प्रदर्शन के बीच इन हजारों बच्चों को एक ऐसा मुकाम दिया है जहाँ पे वो अपनी मन की भावनाओं को पेपर पर उतार सके। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए, पिछले शुक्रवार से यहाँ पे घंटा घर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी बीच आप तमाम बच्चों को लेकर आए हैं और हमेशा से बच्चों को भी पॉलिटिक्स में खींचने की कोशिश की जा रही है कि वो भी विरोध करें, तो कैसे आप तालमेल कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे समझा रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बच्चों को वहाँ से अलग करने का मतलब ये है कि बच्चे पहले अपने शिक्षा को समझें, जो उनको सीखना है वो अपने हक को समझें, तभी वो आगे अपने लिए लड़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हम उनको अलग लेकर के आए हैं, उनको एक दूसरा कॉर्नर दिया है जहाँ पे वो अपनी समझ को बढ़ा सकें। हम यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो जो बना रहे हैं उनको पेंटिंग सिखाते हैं, पेंटिंग का उनको वो आगे क्या बनना चाहते हैं उसको क्रिएटिविटी के रूप में वो निकालें। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे महिलाओं के साथ आए हैं या जो बच्चे यहाँ पे सामान बेचने वाले बच्चे हैं, उन सभी को हम इकट्ठा करते हैं और फिर उनके साथ कोशिश करते हैं कि हम उनको शाम में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनकी छोटी छोटी क्लासेस चलाते हैं एक एक घंटे की, साथ में क्रिएटिविटी के क्लासेस चलते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे बच्चे, इनके माइंड में हमेशा ये चीज़ आती होगी, पूछते भी होंगे कि भैया आखिर ये हो क्या रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे उनको समझाते हैं? हाँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उन्हें ये बताना कि ये जो भी काम हो रहा है ये किस लिए हो रहा है और ये क्या है। तो उन्हें ये समझाने के लिए हमको उसको टोन डाउन करना पड़ता है कि देखो बेटा, ये जो भी एक कानून बना है जिसमें कुछ ग्रुप्स को अलग कर दिया गया है कि अगर आप पांच दोस्त हैं एक क्लास में, एक जगह पर पांच दोस्त हैं जो आप साथ में खेलते हैं, लेकिन उसमें से चार लोगों को एक चीज़ दी जाए और एक को अलग कर दिया जाए तो फिर आपको जो बुरा लगेगा, उसी तरीके से एक कम्युनिटी को अलग कर किया गया है और उसका उन्हें बुरा लगा है। और उस चीज़ को जैसे आप अपने टीचर को जाके शिकायत करेंगे, ये हम अपने जो सरकार है हम उससे शिकायत कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है। एक जो भी आपका ये तरीका है, हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आवाज़ को पहुंचाने का दूसरा एक तरीका क्रिएटिविटी भी है। तो जो बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं वो उस तरीके के पोस्टर्स बना करके, लेकिन पहली चीज़ है कि बच्चों को समझ में आए कि ये क्या है और क्यों है। ऐसा भी देखा गया है बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी कि बच्चों को तो पता भी नहीं है सीएनआरसी क्या है, वो अपनी मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं और बस यहाँ पे बैठ रहे हैं, उनके साथ भी एक तरीके से आवाम में आवाज दे रहे हैं। तो किस चीज, इतना कैसे मतलब चेंज करने का, माइंड चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप शुरू से ही बच्चे का माइंड चेंज करेंगे तब वो आगे जाके चीजों को समझता है, तो इस तरीके की क्वालिटीज कैसे? तो जैसा आपने कहा कि कुछ बच्चे होंगे, और जरूरी है कि बच्चों को कानून का बनना और कानून का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत टिपिकल है और बहुत मुश्किल है, वो चीज़ें बच्चों को नहीं समझाई जा सकती हैं। तो अभी इसीलिए हमने उनको उठा करके अलग किया और उनसे बात करना शुरू किया कि पहले वो अब जो ABCD पढ़ने वाले बच्चे को आप NRC नहीं समझा सकते, तो हम पहले उन्हें ABCD पढ़ा रहे हैं और ये जो उनके अंदर का प्यार है, मोहब्बत है, उनके अंदर पहले तो मोरल जो कंपस है उनका वो मजबूत करने की जरूरत है, तो हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो ये कैसे कौन सा संस्थान है, क्या है, या आप अकेले सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं जो बच्चों को लेकर आए हैं, या कोई संस्थान है आपके साथ जो बच्चों को लाके यहाँ सिखा रही है, उनको इतनी नॉलेज दे रही है, क्योंकि आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं ये। देखिए, मैं खुद एक NGO के लिए काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ग्रुप से हमारे कुछ दोस्त थे जो हम लोगों को काम करते देख करके साथ में आए, कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए थे लेकिन उन्हें काम को देखा और फिर ज्वाइन किया हमको। तो अलग अलग जगह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक कॉमन कॉज के लिए कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, अगली पीढ़ी को सुधारना है, अगली पीढ़ी को समझाना है
कि वो संविधान को समझे और संविधान की आत्मा को समझे और फिर आगे की बात करें। तो ऐसा ना हो कि हम केवल शोर मचा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हम किसके लिए शोर मचा, मतलब भीड़ में नहीं शामिल करना चाह रहे हैं जो यहाँ बच्चे। और आपने क्या सोच के इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी, आपके माइंड में ये कैसे आया कि चल के बच्चों को सिखाया जाए और बताया जाए कि भविष्य और ये जो स्थितियां हैं अभी देश की बहुत फर्क है, भविष्य कुछ और है, स्थितियां जो हैं उसको अभी आप समझेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी आगे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पहले खुद प्रोटेस्ट के लिए आए, पहले दिन आए और हमने देखा कि बच्चे इन्वॉल्व हैं, और क्योंकि हम लोग पिछले 1-1.5 साल से बच्चों को लेकर के काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो झुग्गी बस्तियों में बच्चे हैं उनको लेकर के काम कर रहे हैं, तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ शिक्षा की प्रॉब्लम है। तो हमने एक कॉर्नर यहाँ बनाने की कोशिश की कि जहाँ पे हम बच्चों को लेकर के काम करें, बच्चों को समझा सकें, बच्चों की पढ़ाई पे काम कर सकें, और ये काम हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर के इलाके में लगातार ये चलता रहे, प्रोटेस्ट के बाद भी चलता रहे और बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहे। तो ये हमारी कोशिश। थैंक यू सो मच सर, आप इतना नेक काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसे बनाए ना उठाओ उसको ऐसे, अरे उन लोगों को बोल रहे ये उधर वाला मासूम सब ये वाला क्या बनाया? सिंधी कौन से क्लास में पढ़ती है? क्या बनाया बेटा आपने? स्वच्छ भारत बनाया है। क्या होता है स्वच्छ भारत, पता है स्वच्छ भारत के बारे में कुछ? इंडिया। किसने स्टार्ट किया साफ इंडिया पता है? एक्चुअली नहीं पता नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी कि मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है। प्रेसिडेंट बनना? अरे वाह, वेरी गुड। कौन है प्रेसिडेंट इस वक्त देश का? एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट के ना चक्कर पर ही प्राइम मिनिस्टर कैसा है वो देखिए। कौन है प्राइम मिनिस्टर? मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी हम पता नहीं पर है गलत, लोग कह रहे थे गलत है, पर है शायद अंदर ही अंदर कुछ अच्छे भी हो, शायद कुछ बाहर भी गलत भी है। किसने बताया आपको इतनी अच्छी नॉलेज? एक्चुअली ये मेरी आंखें हैं जो देख रही हैं। गुड, वेरी गुड। नाम क्या है आपका? इक्रांतियास। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। वही कह रहे हैं, दो दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ & व्यूज़ को।